इनकी जब नौटंकी करते थे ना हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आप चले आएंगे। डांस पार्टनर तो दे नहीं पा रहे, पानी दे नहीं पा रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा, भाई नौटंकी करें बस वही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है, फिर वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सपा के महासचिव शिवपाल यादव 2024 के लिए पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों और सपा कार्यकर्ताओं को संगठित कर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। रही बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की, तो वो बहुत मजबूत है। विपक्षी एकता के नए नाम से पूरे देश में भाजपा घबराई हुई है। वहीं शिवपाल यादव ने पूर्वांचल को लेकर कहा कि संगठन का मजबूत और समाजवादियों को इकट्ठा कर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी को हराया जाएगा। इसके अलावा शिवपाल यादव ने आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ पर भी निशाना साधा है और उन्हें केवल नौटंकी करार दिया है। देखिए शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा। ये दावा है कि अखिलेश जी तो 3 साल में ही चले गए यहाँ से, अब जो भी आवे चाचा आवे चाहे भैया उनको फिर हम आगे भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें, इनकी जब नौटंकी करते थे ना हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आप चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें, ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश की सांसद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे, हम बहुत काम कर रहे हैं जी। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहे, पानी दे नहीं पा रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा, भाई नौटंकी करें बस वही है। मनोरंजन अच्छा करते हैं।